22 जून की शिरोदान में आप सबका स्वागत है। परमाता पिता कहते हैं कि कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। कमल पुष्प का सिंबल आपको पता है कैसा होता है, उसको बुद्धि में रख। अपने को सैंपल समझने वाले, किसका सैंपल, प्योर लोटस फ्लावर, फ्लावर का समझने वाले न्यारे और प्यारे बाबा। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, फैमिली लाइफ में रहने के वालों को सिंबल के कमल पुष्प, लक्ष्मी जी और नारायण जी कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो, कमल बनो मतलब प्योर बनो और अमल करो। अमल क्या करो, ब्रह्मचर्य को अमल करो, ब्रह्मा बाबा के आचरण में चलने को अमल करो, प्योर थॉट्स के ऊपर चलो अमल करो, प्योर वर्ड्स बोलो, प्योर एक्शंस करो, अमल करो इनके ऊपर। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते, कमल मतलब प्योर नहीं बन सकते। अगर अमल नहीं करते, प्योर थॉट्स नहीं सोचते, प्योर वर्ड्स नहीं बोलते, प्योर एक्शंस नहीं करते, तो फिर हम कमल नहीं बन सकते, मतलब प्योर नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो कि मुझे एक प्योरिटी का सिंबल बनना है, एक सैंपल बनना है। मतलब सैंपल बनाते हैं ना लाइफ में कि भैया आप, हाँ मेरे को थोड़ा सैंपल्स भेज दीजिए इस चीज़ का, देखना है खरीदने से पहले। तो हमें भी परमात्मा कहते हैं कि तुम एक सैंपल बनो प्योरिटी का, तुम दिखाओ औरों को कि कैसे गृहस्थी में रहते हुए हस्बैंड वाइफ भी प्योर रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ डेडिकेट अपना कर सकते हैं, अपना जीवन स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट कर सकते हैं। ये एक तुम सैंपल बनो, सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। जब सेवा करो तो न्यारे और प्यारे, प्यारे सबके सबसे प्यारे से बात करना, और जब सेवा पूरी हो जाए तो उसके बाद में फिर कोई इच्छा ना रखना और फिर कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखना किसी चीज़ से, तो उसको कहते हैं न्यारा बनना। न्यारा मतलब ये नहीं कि मैंने सेवा कर दी, आई डोंट नो यू, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मेरे को जानते नहीं, ये बात नहीं होती है। प्यारा बनना मतलब सबसे प्यार से बात करना, सबको सहयोग देना, और फिर जब सेवा पूरी हो जाए तो फिर न्यारा मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, वहाँ खड़े हुए हैं, अरे मेरी सराहना करे कोई, मेरा बहुत अच्छा लेक्चर दिया बोले, या बहुत अच्छा समझाया आपने, अरे बहुत अच्छा कोर्स कराया आपने, अरे बड़ा अच्छा भाषण बोला आपने, आपने बड़े ना, कुछ भी नहीं। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन प्यारे बन, प्यारे बनना क्योंकि, न्यारे बन प्यारे बनना क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। तो प्यारा भी बने लेकिन न्यारा भी बने, नहीं तो लगाव हो जाएगा। कभी हो सकता है सेंटर की सिस्टर के साथ में लगाव हो, सेंटर के ब्रदर के साथ में लगाव हो, बड़ी दीदी के साथ में लगाव हो, सेवाओं से लगाव हो कि हाँ ये किचन में मेरे को बुलाया नहीं इस बारी दीदी ने सेवा के लिए, या मुझे आज भाई जी ने बुलाया नहीं सेवा के लिए, हो तो रूठ गए। रूठना मतलब लगाव है, रूठना मतलब ही सिंबल है आपका लगाव है। अगर आप किसी से रूठते हो इसका मतलब आपका लगाव बहुत है। तो लगाव से कैसे मुक्त होना है, तो परमात्मा को जब सौंपते जाएंगे तो फिर लगाव मुक्त होते जाएंगे। ये मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरी वस्तु नहीं है, मेरे लोग नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, मेरा मेरा जहाँ है वहाँ लगाव है, और वहाँ पे फिर आपको गुस्सा आता है। तो सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यार प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है, बदल जाता है। अगर हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें अपना समय लगाते हैं, तो फिर हमारा लगाव होना शुरू होता है। लेकिन हम सोचें नहीं, ये मैं अपनी चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ मेहनत, ये परमात्मा की, मैं ट्रस्टी बनकर परमात्मा का घर, परमात्मा की वस्तु, परमात्मा का धन, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के सब कोई, उनके ऊपर मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, ये सोचें। परमात्मा की गाइडेंस से, मैं अपनी बुद्धि से नहीं, बुद्धि किसने दी, परमात्मा ने, तो जाकर के लगाव मुक्त हो सकते हैं। तो लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। और कोई भी सेवा मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जब सेंटर में जाओ तो वही सेवा होती है, आप घर में भी खाना पका रहे हैं, घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं, घर में कुछ आप घर का भला करने के लिए कुछ आइडिया सोच रहे हैं, तो उसमें अगर मैं पना गया, देखा मैंने बोला था, देखा मैंने किया था ना, मेरी वजह से ऐसे हुआ ना, तो ये भी क्या है, ये न्यारापन नहीं है। तो अगर आप न्यारे नहीं होंगे तो आप औरों के प्यारे नहीं बन पाएंगे, और प्रभु के भी प्यारे नहीं बन पाएंगे। प्रभु कहेंगे इसको तो बहुत ईगो है, अहंकार है तो अपनी बुद्धि का, इसको तो बहुत ज़्यादा अपने बुद्धि का अभिमान है। तो फिर औरों को भी फिर आप पसंद नहीं आओगे, बिकॉज आप हमेशा उनको नीचे गिराते जाओगे, अपने आप को सिद्ध करते जाओगे, औरों को गलत सिद्ध करोगे, अपने आप को राइट सिद्ध करोगे, तो फिर वो न्यारा और प्यारा नहीं हुआ। ओम शांति।